हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि सेस और सरचार्ज में क्या डिफरेंस होता है। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सरचार्ज, सरचार्ज का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स, यानी कि जो भी हमारी इनकम हम पूरे साल अर्न करते हैं उसके ऊपर हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है। अब उस टैक्स के ऊपर भी हमें एक और टैक्स देना होता है जिसे हम सरचार्ज कहते हैं। अब ये टैक्स लगता क्यों है? तो देखिए, जब भी हमारी इनकम एक लेवल से ज्यादा हो जाती है, यानी एक लिमिट से क्रॉस कर जाती है, तो हमें सरचार्ज देना होता है। यानी कि सरचार्ज हर किसी को नहीं देना, ये सिर्फ रिच पीपल या फिर सुपर रिच लोगों पर ही लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनीज की इनकम जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा हो जाती है तो उन्हें 7% का सरचार्ज देना होता है। सिमिलरली, अगर उनकी इनकम 10 करोड़ से भी ज्यादा हो जाती है तो उनको 12% का सरचार्ज देना होता है। जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा टैक्सेशन सिस्टम है इंडिया में वो प्रोग्रेसिव है, यानी कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी हमारा टैक्स भी बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए इन्होंने सरचार्ज लगाते हैं कि जो भी लोग रिच हैं या सुपर रिच लोग हैं उनकी इनकम अगर एक लेवल को क्रॉस कर जाती है तो उन्हें टैक्स के ऊपर भी एक और टैक्स देना होगा, उसे हम सरचार्ज कहेंगे। जो भी अमाउंट गवर्नमेंट को रिसीव होता है सरचार्ज की फॉर्म में, वो उसे अपने तरीके से यूज कर सकते हैं। चाहे तो गवर्नमेंट इससे रोड्स बना सकती है, बिल्डिंग्स बना सकती है, चाहे वो उसे वेलफेयर स्कीम्स में लगा सकती है, पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करने में यूज कर सकती है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का इस पे पूरा हक होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको स्टेट गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं करती। जैसे कि इनकम टैक्स होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बाकी की गवर्नमेंट्स के साथ उसको शेयर करना पड़ता है। बट जो भी अमाउंट सेस और सरचार्ज की फॉर्म में उनको मिलता है वो उन्हें स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं करना पड़ता। अब अगर मैं सरचार्ज के रेट्स की बात करूं कि इंडिविजुअल के ऊपर कितना कितना सरचार्ज लगता है, तो वो इंडिविजुअल्स जिनकी इनकम 50 लाख रुपीज से ज्यादा है बट 1 करोड़ रुपीज से ज्यादा नहीं है, तो उनको 10% का सरचार्ज देना होता है। साथ ही साथ जब उनकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हो जाती है बट 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होती, तो उनको 15% का सरचार्ज देना होता है। जब उनकी इनकम 2 करोड़ रुपीज से ज्यादा हो जाती है बट 5 करोड़ रुपीज से ज्यादा नहीं होती, तो उनको 25% का सरचार्ज देना होता है। और जब उनकी इनकम 5 करोड़ से भी ज्यादा हो जाती है तो उसके ऊपर उनको 37% का सरचार्ज देना होता है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे इंडिविजुअल्स की इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उनका सरचार्ज का रेट भी बढ़ता जा रहा है। तो यही हमारा इंडिया का सिस्टम है कि हमारा जो टैक्सेशन सिस्टम है ये प्रोग्रेसिव है। तो जैसे जैसे कोई ज्यादा अर्निंग करता है, ज्यादा रिच हो जाता है, उसका कंट्रीब्यूशन भी टैक्स में उतना ज्यादा होता है। चलिए अब सरचार्ज की कैलकुलेशंस को एक एग्जांपल से देखते हैं। किसी पर्सन की एक टैक्सेबल इनकम जो है वो 51 लाख रुपीज है। तो मैंने बोला था कि जब उनकी इनकम 50 लाख को क्रॉस कर जाएगी तो उन्हें 10% का सरचार्ज देना होता है। तो अगर हम सिंपल कैलकुलेशंस करें तो टैक्स जो बनता है 51 लाख रुपीज के ऊपर वो आता है 13,42,500 रुपीज का। तो सरचार्ज लगेगा 10%, तो ये टैक्स के ऊपर टैक्स है। तो यानी कि हमें जो 10% निकालना है वो 13,42,500 का निकालना है। तो जब हम इसका 10% निकालेंगे तो हमारा सरचार्ज निकल के आता है 1,34,250 का। तो यानी कि वो पर्सन जिसकी इनकम 51 लाख रुपीज है उसको 1,34,250 का सरचार्ज देना होगा। अब बात करते हैं सेस की। सेस का मतलब भी यही होता है कि टैक्स ऑन टैक्स। अब इसकी कैलकुलेशंस कैसे होती है? सरचार्ज जो था वो सिर्फ इनकम टैक्स के ऊपर कैलकुलेट होता था। तो जैसे कि 10% अगर हमें सरचार्ज देना था तो वो 10% टैक्स का 10% था। बट अगर हम सेस की बात करें तो सेस का जो परसेंटेज होता है वो इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज, इन दोनों को ऐड करने के बाद जो अमाउंट आता है वो उसके ऊपर लगता है। सेस का जो पर्पस होता है वो ऑलरेडी स्पेसिफाइड होता है उसके नाम में। तो फॉर एग्जांपल, अगर गवर्नमेंट हमसे एजुकेशन सेस लेती है तो वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ही उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जिस पर्पस के लिए सेस लिया जा रहा है वो उसी पर्पस के लिए ही यूज होगा। अगर किसी साल गवर्नमेंट उसको यूज नहीं कर पाती है या थोड़ा कम यूज कर पाती है, उसका बैलेंस बच गया है, तो गवर्नमेंट को उसे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है और अगले साल उसे उसी पर्पस के लिए ही यूज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, 2016 में गवर्नमेंट ने दो तरीके के सेस जो थे वो इंट्रोड्यूस किए थे। एक कृषि कल्याण सेस था जो कि फार्मर्स के वेलफेयर के लिए लगाया गया था, और दूसरा था स्वच्छ भारत सेस जो कि
इंडिया के क्लीन मिशन के लिए लगाया गया था, बट 2017 में जीएसटी लगाने के बाद इन दोनों सेस को अबॉलिश कर दिया गया और ये जीएसटी में ही मर्ज कर दिए गए। तो बहुत इजी होता है, गवर्नमेंट को अगर टैक्स बढ़ाना है तो गवर्नमेंट किसी भी तरीके से सेस को लेके आ सकती है, इजी होता है, एंड जब वो पर्पस फुलफिल हो जाता है तो वो सेस को अबॉलिश भी कर सकते हैं। करंट जो रेट चल रहा है सेस का वो 4% है, जिसका नाम है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, यानी कि जो भी गवर्नमेंट को रिसीव होगा सेस के फॉर्म में 4% अमाउंट, वो सिर्फ हेल्थ सेक्टर के लिए या फिर एजुकेशन पर्पस के लिए ही गवर्नमेंट उसको यूटिलाइज कर सकती है। और जिस तरीके से सरचार्ज के ऊपर पूरा हक जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, सिमिलरली सेस के ऊपर भी जो सोल राइट होता है वो भी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट को इसको स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं होती। चलिए अब सेस को भी एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि ये कैसे कैलकुलेट होता है। तो किसी पर्सन की जो टैक्सेबल इनकम है वो 6 लाख रुपीज है, तो 6 लाख रुपीज के ऊपर अगर हम उनका टैक्स कैलकुलेट करते हैं स्लैब रेट से तो वो आता है 32,500 रुपीज का। अब सेस जो होता है वो टैक्स ऑन टैक्स है, तो यानी कि जो 32,500 रुपीज का हमारा टैक्स निकला है हमें इसके ऊपर हमें 4% का टैक्स देना है। तो 32,500 का 4% निकालेंगे तो वो आता है 1,300, तो यानी कि जिस पर्सन की इनकम 6 लाख रुपीज है उसे 1,300 रुपीज का सेस जो है वो गवर्नमेंट को देना होगा। तो चलिए अब एक बार डिफरेंस जो है सेस और सरचार्ज में एक बार उसे समराइज फॉर्म में देखते हैं। तो सरचार्ज का जैसे मैंने बोला था जो पर्पस होता है वो स्टेटेड नहीं होता, यानी कि कोई फिक्स्ड पर्पस के लिए सरचार्ज को नहीं लगाया गया है, गवर्नमेंट इसे अपनी मर्जी से किसी भी गुड्स को प्रोवाइड करने में लगा सकती है। बट सेस का जो पर्पस होता है वो उसके नाम में ही स्पेसिफाइड होता है, जैसे कृषि कल्याण था तो वो सिर्फ फार्मर्स के वेलफेयर के लिए ही यूज होगा, एजुकेशन सेस है तो वो सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए ही यूज होगा। सरचार्ज का जो परसेंटेज होता है वो सिर्फ इनकम टैक्स के ऊपर कैलकुलेट होता है, तो 12% ऑफ इनकम टैक्स, 10% ऑफ इनकम टैक्स इस तरीके से। बट जो सेस का कैलकुलेशन होता है वो होता है इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज, इन दोनों को ऐड करने पर जो आता है उसके ऊपर हमें 4% कैलकुलेट करना होता है। सरचार्ज का जो रेट होता है वो डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इंडिविजुअल्स के लिए आपको काफी सारे रेट्स दिखाई, जैसे 10%, 15%, 25%, 37%। सिमिलरली कंपनीज के लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए, सबके लिए जो सरचार्ज का रेट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। बट अगर हम सेस की बात करें तो सेस जो होता है वो हर पर्सन के लिए एप्लीकेबल होता है और वो सेम रेट है 4% का, चाहे वो बिजनेसेस हो चाहे वो इंडिविजुअल हो, तो कोई भी पर्सन हो उनके पास एक यूनिफॉर्म रेट होगा, दैट इज 4%। सरचार्ज जो होता है वो तभी एप्लीकेबल होगा जब हमारी इनकम एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा होती है। तो अगर हमारी इनकम जो है वो उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर रही तो हमें सरचार्ज नहीं देना। बट सेस जो है वो हमें हर केस में पे करना ही करना है, अगर हमारा टैक्स निकल के आता है तो हमें सेस भी देना पड़ेगा। तो चाहे 1,000 रुपीज का ही टैक्स हमें क्यों नहीं देना, उसके ऊपर जो भी हमारा सेस होगा हमें उसके ऊपर पे करना है, बट सरचार्ज तभी लगेगा जब हमारी जो इनकम है वो लिमिट से क्रॉस कर जाएगी। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।